हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है डॉक्टर समीर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन विद डॉक्टर सैम में। आज का जो टॉपिक है वो कोल्ड एंड फीवर के रिलेटेड है। मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वीडियो में क्या है, इसमें रहेगा ट्रीटमेंट, क्या डोज रहता है। मेन तीन टाइप में ट्रीटमेंट रहेगा, एक नॉर्मल पेशेंट के लिए, एक प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए और एक पेडियाट्रिक पेशेंट यानी बच्चों के लिए। तो होता क्या है, अगर हम इसमें साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि कोल्ड एंड फीवर में होता क्या है, तो जनरली इसमें आपका जो टेम्परेचर है वो बॉडी का वो 100 के पार रहता है, क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है, बट वो 100 के पार है। सम टाइम वो 101 रहता है, 102 रहता है। हाई फीवर रहेगा इसमें, रुक रुक के भी कई बार फीवर आता है। बाकी इसमें सोर थ्रॉट रहेगा, कई लोगों को लगता है कि टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, कई लोगों का रनिंग नोज रहता है। बाकी तो जो भी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, जो भी आपका सिम्टम्स रहेगा उसके रिलेटेड, लेकिन मेन जो इसमें प्रॉब्लम रहता है वो रहता है फीवर का और रनिंग नोज का। जनरली ये होता इसलिए है क्योंकि जब हम मौसम चेंज होता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, अभी बरसात शुरू हो रहा है, तो इस सिचुएशन में टेम्परेचर बॉडी मेंटेन नहीं कर पाता है और उसके नाम से टेम्परेचर बढ़ता है। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके नाम से आपको लगता है कि टॉन्सिल बढ़ गया है। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स रहते हैं। कई लोगों को कई बार रेड चकते भी पड़ जाते हैं, बॉडी में रेसेस भी आते हैं इसके नाम से, वो बहुत कम लोगों में दिखता है, बट दिखता ज़रूर है। रहा बात अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें एक एडल्ट में, तो जनरली हम इसमें एंटी कोल्ड टैबलेट प्रीफर करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनामिन। जनरली हम इसको, इसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे सुमो कोल्ड हो गया, चेस्टॉन कोल्ड हो गया, ग्रैनकॉप प्लस हो गया, कुछ इस टाइप के ब्रांड्स हैं। प्लस इसके साथ हम एंटीपायरेटिक NSAID के कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसमें पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन रहता है एसिक्लोपैरा के नाम से। उसमें बहुत से ब्रांड है जैसे जीरोडॉल पी हो गया, ग्रेनेक पी हो गया, और भी ब्रांड्स उसमें बहुत सारे हैं। जनरली हर जगह अवेलेबल हो जाता है, आप जाके एसिक्लोपैरा भी बोलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ में, क्योंकि ये तो बॉडी पेन और आपका एंटीपायरेटिक है, कई लोगों को लगता है कि अगर हम पैरासीटामोल इसमें भी ले रहे हैं जो हमने एंटी कोल्ड बताया, फिर एसिक्लोपैरा में भी ले रहे हैं, तो ओवरडोज थोड़ी हो रहा है, तो जनरली नहीं होता। जनरली प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि पैरासीटामोल प्लेन दो बार या तीन बार लिख देते हैं कंडीशन के हिसाब से, और एसिक्लोपैरा को ओडी कर देते हैं कि दिन में एक बार आप लेंगे तो जनरली सफिशियंट रहता है। बट अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एज है तो हम उसको दो बार भी लिखते हैं। होता यह है कि 325 मिलीग्राम रहता है एसिक्लोपैरा कॉम्बिनेशन में, और 325 मिलीग्राम ही रहता है आपके एंटी कोल्ड टैबलेट में, क्लोरफेनामिन और फिनाइलेफ्रिन वाले कॉम्बिनेशन में। दोनों को अगर हम मिलाएं भी तो 650 होता है, तो इसलिए वो ओवरडोज पे नहीं जाता। अगर आप तीन बार भी लेंगे तो लगभग 1950 2000 mg के आसपास होता है, तो वो आपको ओवरडोज पे नहीं जाता। इसके साथ साथ हम एक एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, अगर आपके गले में खराश है या आपको लगता है कि थ्रॉट इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो हम उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं 500 mg का दिन में एक बार। और जब अगर रनिंग नोज का कंडीशन है तो उसमें हम लिवोसिट्रिजिन मोंटेलुकास्ट का भी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एक ये अकेयर LC करके एक ब्रांड है, बाकी एक योशिट M करके ब्रांड है लिवोसिट्रिजिन मोंटेलुकास्ट में। एजिथ्रोमाइसिन में जैसे एजिथ्राल आता है, न्यूजिट आता है, इस टाइप के ब्रांड्स आते हैं 500 में। इसमें 250 का भी ब्रांड आता है, बच्चों के लिए सिरप भी आता है। और जनरली हम इसके साथ पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ठंडी चीज़ों से बचना है, प्लस आपको अगर कफ आ रहा है, ये तो रनिंग नोज तक की बात थी, अगर आपको कफ आ रहा है या आपको खांसी है, खांसी भी दो प्रकार की हो सकती है इसमें, सूखी खांसी और गीली खांसी। गीली खांसी मीन्स वेट कफ यानी जिसमें आपको बलगम आता है, और सूखी खांसी में सिर्फ खांसी आती है। तो जनरली ड्राई कफ जब रहता है, जब सिर्फ खांसी आता है, तो हम उसको रिलीफ देने के लिए डेक्सोमेथोरपेन वाला कॉम्बिनेशन का कफ सिरप यूज़ करते हैं। या इससे क्या होता है कि वो आपको ट्रीट करता है, उससे आपका कफ नहीं निकलता, वो सप्रेस कर देता है, प्लस आपको रिलीफ जल्दी मिलता है। और जब यही कंडीशन आपके वेट कफ में है, गीली खांसी में, जब आपको बलगम आ रहा है, तो हम LS वाली कॉम्बिनेशन लिखते हैं, जैसे लिवोसल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, गुआइविनसिंग, जैसे यहाँ पे एक रखा हुआ है सेंजरल LS का,
और एस्टाकाइंड LS आता है इसमें। हम इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन लिखते हैं आपके वेट कप के लिए, जिससे आपको जनरली आराम मिल जाता है। रहा बात अगर हम इसका यूज़ के बारे में, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, एसिक्लोपैरा का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं दिन में 1 बार, एजिथ्रोमाइसिन 1 बार ले सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन अगर एलर्जी के नाम से है, तो लियोसिट्रिजिन मोंटेलुकास्ट का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एक इससे थोड़ा नींद आता है, तो इसको जनरली आप रात में लें तो ज़्यादा अच्छा। बाकी आप कफ सिरप ले सकते हैं दिन में 2 बार या 3 बार 10-10 ml। कुछ पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन का एलर्जी रहता है, तो ऐसे पेशेंट सिफिक्सिम ले सकते हैं 200 mg का दिन में 1 बार, जिससे रिलीफ मिल जाएगा। सेकंड जो पार्ट है, इसमें हम बात करते हैं प्रेगनेंसी पे। जनरली प्रेगनेंसी पे आप अपने से कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिसकैरेज के या एबनॉर्मेलिटी आपके फीटस में मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट के नाम से हो सकता है। जनरली जो सेफ, अगर हम प्रेगनेंसी पे बात करें, अगर आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल 650 ले सकते हैं, डोलो 650 ले सकते हैं, क्रोसिन 500 ले सकते हैं, ग्रैनसेट 650 ले सकते हैं, ये सब सेफ़ है। बाकी रहा बात अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अगर पहले के 3 महीने हैं, तो आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं आयुर्वेदिक चीज़ों से अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप अदरक का काढ़ा ले सकते हैं चाय में डाल के, आप हल्दी दूध ले सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जनरली होता ये है कि प्रेगनेंसी में कई लोग सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में जो OTC ब्रांड्स रहते हैं, जो जनरली मेडिकल में मिल जाते हैं, वो बताते भी नहीं है कि किसके लिए, बस लेके आते हैं और खिला देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है प्रेगनेंसी में, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपने जो भी डॉक्टर हैं जिससे आप कंसल्ट करा रहे हैं, आप उनको दिखाएं, वही आपका ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज़ इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है। रहा बात आपको और रिलीफ चाहिए, अगर नाक बह रहा है, तो आप स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। भाप में आप के लिए आप गर्म पानी में नमक डाल के भी ले सकते हैं, या फिर आप विक्स डाल दीजिए, थोड़ा विक्स डाल के ले सकते हैं। अगर गले में सोर थ्रॉट है, तो आप बीटाडीन गार्गल कर सकते हैं, नमक के साथ गार्गल कर सकते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय में मेडिसिन में, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ में। बाकी बहुत ज़्यादा अगर आपको एलर्जी है, तो आप लिवोसिट्रिजिन की टैबलेट ले सकते हैं, सिट्रिजिन की टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। बाकी रहा बस सेकेंड ट्राइमेस्टर पर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, सिक्लोपैरा का कॉम्बिनेशन आपको अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन उसमें यूज़ करते हैं, और लिवोसिट्रिजिन सिट्रिजिन भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन देख के, और लो डोज भी यूज़ किया जाता है। हाई डोज में जनरली अवॉइड किया जाता है जो भी मेडिकेशन है वो प्रेगनेंसी में। कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आप सिरप ले सकते हैं, एस्टाकाइंड LS ले सकते हैं, अगर आपको वेट कप है, अगर ड्राई कप है, तो आप डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन DX में ले सकते हैं, कोर्टिसोन DX हो गया, ग्रेलिन टेस्ट का जो D आता है वो ले सकते हैं आप। और थर्ड जो सिनेरियो है वो बच्चों के लिए पेडियाट्रिक यूज पे, तो जनरली पेडियाट्रिक पे हम सिरप यूज करते हैं। हम इसमें पैरासीटामोल 250 का सिरप यूज़ कर सकते हैं, 120 का यूज़ कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं 100-200 mg दोनों कर सकते हैं। बस तो उसका डोज आपको कैलकुलेट करना, पैरासीटामोल 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से कैलकुलेट करना, कि अगर 10 किलो का बच्चा है तो हमको उसको 150 mg से पर डोज ऊपर नहीं जाना है। एजिथ्रोमाइसिन हम जनरली 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से करते हैं, कि 10 किलो का बच्चा है तो वो 100 mg से ऊपर ना जाए। तो जैसे हमारे पास न्यूजे 200, इसमें 100 भी आता है। जब भी मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप सिरप यूज़ करें, तो इसमें ईच 5 ml कंटेंट या ईच 1 ml कंटेंट जरूर पड़ा, क्योंकि वो कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। तो जैसे इसमें 5 ml में 200 mg, अगर हमको 10 kg का बच्चा है 100 mg देना, तो हम इसमें 2.5 ml यानी 2.5 ml लिखते हैं, क्योंकि 200 mg का 100 देना, तो हमको 2.5 ml यूज़ करते हैं। तो 1 ml 1 ml 1.5 ml में डिवाइडेड डोज में हम बच्चों को देते हैं। बाकी बच्चों के लिए भी सिरप आता है, आप उसमें एस्टाकाइंड LS यूज़ कर सकते हैं। वेट कप के लिए ड्राई कप में आपको ग्रेलिनटेक का सिरप आ जाएगा, और भी ब्रांड आएगा, मैं उसका फोटो अभी इसमें दिखा दूंगा। बाकी अगर बच्चों का नाक बंद है, तो आप उसमें नेजो क्लियर आता है जनरल नॉर्मल सलाइन का जो ड्रॉप है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो हर किसी को नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मॉन्टेल का भी
सीधा पाता है एलसी के नाम से, ट्वेंटी फोर एलसी के नाम से, तो उसको आप एक एक एमएच सुबह शाम बच्चों को दे सकते हैं। इसको देने से थोड़ा मेन बच्चों में जरूर रहता है, बट इफेक्ट अच्छा रहता है। तो यही है जो जनरल प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, सभी में सेम है, बस उसका दो दर डोजेस फॉर्म चेंज होते रहता है हर सिचुएशन के हिसाब से। बाकी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए यूजफुल रहे। तब तक के लिए जय श्री राम। रहा अगर आपको हमसे कंसल्टेंसी चाहिए, वीडियो कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, तो पूरा डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 24/7 किसी भी समय, कभी भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। पूरा डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी पूरा डिटेल आपको शो किया जाए।